दिल्ली मुंबई हाईवे के निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के कारण किसानों के खेत के रास्ते बंद होने को लेकर ग्रामीण आक्रोशित हैं। उनके समर्थन में कांग्रेस भी आ गई है। कांग्रेस नेताओं ने भूख हड़ताल करने की धमकी दी है। दरअसल हाईवे बनने से किसानों के खेत तक जाने वाले रास्ते बंद हो गए हैं और निकासी नहीं होने से पानी भी गांव में घुस रहा है। इससे ही किसान परेशान हैं और आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। ग्रामीणों ने इसी कड़ी में चक्का जाम भी किया। सूचना मिलने पर तहसीलदार एवं थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश देकर हटाया। कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि अगर समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो भूख हड़ताल की जाएगी। रेडलाइन के अधिकारियों पर प्रकरण दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। रेडलाइन के अधिकारियों पर प्रकरण दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। किसी को रास्ता नहीं मिलेगा। हमारे अधिकारियों का कहना है कि किसी को पैसे दे के लिए किसी को रास्ता नहीं मिलेगा, आप अपने हिसाब से जाते आते रहो। इसलिए हम परेशान हैं और बोने के लिए जाना था नहीं गए। हमारी सोयाबीन ऐसी चीज़ है कि दो दिन में अगर नहीं बोते हैं तो 3-4 दिन के बाद उसकी अंकुरण क्षमता कम हो जाती है। इसलिए देख लेना, पूरे प्रदेश में बोनी हो चुकी है और हम रास्ता देख रहे हैं। इसलिए साहब से निवेदन है कि हमारी समस्या को तत्काल सुने और किसानों को रास्ता दिलाया जाए। आज नेतागण यहाँ भूख हड़ताल पे भी आज नेतागण, हाँ, और हमारे नेतागण भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। अगर इस समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम फिर नहीं होगा तो फिर हम उग्र आंदोलन करेंगे या फिर किसी हम घासलेट डाल के जलेंगे इन एट लेन वालों के माथे। काम किया है, अगर उनको मुआवजा नहीं मिला, अगर किसानों की समस्या की समाधान नहीं हुआ, रास्ते और पानी निकासी की समस्याओं का, तो हम चक्का जाम करेंगे। परंतु आज थाना प्रभारी और तहसीलदार SDM से हमारी बात हुई, उन्होंने हमको कहा है कि बहुत जल्द इन सबको मुआवजा भी मिल जाएगा। हमने कहा है कि जिनके लोगों के मकान पूरे क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको 1-1 लाख रुपए की व्यवस्था तत्काल की जाए, और जिनके मकान भीगे हैं, पानी में नुकसान हुआ, उनको 30-30 हज़ार रुपये दिए जाएँ। बाकी के लोगों को जितना जैसा उनका नुकसान हुआ है उतना पैसा उनको दिया जाए। किसानों के जो है 8 लेन के कारण वो जो नाले के पास मकान बने उस कारण से जो ज़्यादा पानी गिरा, लगभग 1.5 इंच पानी गिरा अपने यहाँ पर, तो उसकी वजह से लोग घर में घुस गए, पानी और दीवारें भी गिर गई, कुछ पूरे कच्चे मकान थे पूरे गिर चुके हैं। तो तत्कालीन रूप से उनको तो 50-50 किलो अनाज अपनी ओर से उनको दिलवा दिया गया ताकि वो तत्काल उनका राशन की समस्या न हो, और बाकी उनको जो है आर्थिक सहायता मतलब प्रशासन की ओर से ही, राजस्व विभाग की ओर से भी आज प्रकरण बनाए जा रहे हैं और संभवतः शाम तक या कल सुबह तक उनका पूरा भुगतान हो जाएगा। उनके सभी अकाउंट नंबर सबके ले लिए हैं और अभी केस बन रहे हैं अभी।